हमारी दिनचर्या सुबह जागने से प्रारंभ होती है, इसलिए सुबह जल्दी उठना दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है, और यह समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। हमेशा से ही अच्छी सेहत पाने के लिए रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी जागने की बात कही जाती है। यदि हम जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और सुबह जल्दी उठना किसी औषधि से कम नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने को ही सही बताया गया है। तभी तो प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त में गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था। संसार के प्रसिद्ध साधक, बड़े बड़े विद्वान और दीर्घजीवी मनुष्य सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही दैनिक कार्यों की शुरुआत करते थे। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य सुबह जल्दी उठता है उसकी आयु लंबी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तम एवं रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है तथा इस समय सत्वगुण का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांतियुक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतमयी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज बल, शक्ति, स्फूर्ति एवं मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न व शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और सुबह देर तक सोने से हमें यह लाभकारी वायु प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है व इस समय उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस वक्त जागकर अपने इष्ट देव या भगवान का ध्यान व अध्ययन और पवित्र कर्म करना बहुत शुभ होता है, और इस काल में की गई ईश्वर की पूजा का फल भी शीघ्र प्राप्त होता है। मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार और पूजन भी इसी समय में किए जाने का विधान है। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वायुमंडल काफी हद तक प्रदूषण रहित होता है। इस समय दिन के मुकाबले वातावरण में हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। सुबह सुबह की शुद्ध वायु हमारे तन मन को स्फूर्ति और ऊर्जा से भर देती है। यही वजह है कि इस समय किए गए व्यायाम, योग व प्राणायाम शरीर को निरोगी रखते हैं। इसके अलावा पक्षियों की चहचाहट से सुबह का माहौल खुशनुमा हो जाता है, जिससे हमारा तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।